श्री कांची कामकोटी पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज 28 जून को संगम नगरी में 7 दिन के प्रवास पर आ रहे हैं। उनके प्रयागराज आगमन एवं प्रवास के संदर्भ में मंगलवार को कार्यक्रम के संयोजक एवं आयोजक राकेश कुमार शुक्ल ने कार्यक्रम के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री कांची कामकोटी पीठाधिपति जगतगुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती के प्रथम नगर आगमन 28 जून को सायंकाल 4 बजे सड़क मार्ग से चाखाट रीवा रोड प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेंगे। वहां भक्तों द्वारा स्वागत होगा एवं रास्ते में 21 स्थानों पर शंकराचार्य का स्वागत किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से नारी बारी, जारी, घूरपुर, मामा भांजा, डेंडी बाजार आदि हैं। उन्होंने बताया कि शंकराचार्य का नए पुल पर 101 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक रीति के अनुसार दिव्य स्वागत होगा। तत्पश्चात अलोपी बाग पहुंचकर शंकराचार्य द्वारा आदि श्री शंकराचार्य के मूर्ति पर माल्यार्पण कर दारागंज पहुंचेंगे, जहां शंकराचार्य का स्वागत कर भक्तजनों की शोभा यात्रा के साथ शंकराचार्य वेणी माधव मंदिर एवं सिद्धेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन कर शोभा यात्रा के साथ बांध स्थित श्री शंकर विमान मंडपम मंदिर पहुंचेंगे और मंदिर में 7 दिवसीय प्रवास करेंगे। कांची पीठ के शंकराचार्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती जी 28 जून को सड़क मार्ग से मध्य प्रदेश से होते हुए चाकघाट की सीमा से प्रयागराज में प्रवेश करेंगे। चाकघाट से प्रयाग तक 21 जगहों पर उनका स्वागत होगा। उसके बाद अलोपी बाग में शंकराचार्य जी की जो मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर स्वामी जी माल्यार्पण करने के बाद दारागंज से होते हुए जब वो दारागंज पहुँचेंगे तो उनकी यात्रा शोभा यात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी और वहाँ पर मनकामेश्वर सिद्धेश्वर मंदिर का दर्शन करते हुए समाज का स्वागत लेते हुए लगभग 8-8:30 बजे विमान मंडपम मंदिर पहुँचेंगे, जहाँ पर सम्भ्रांतों के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। और 29 तारीख को वो ऑकलैंड रोड में प्रयाग संवाद के तहत एक श्रृंखला शुरू हो रही है, जिस श्रृंखला में सनातन धर्म और आध्यात्मिकता विषय पर उनका एक प्रवचन होगा। 30 तारीख को वो गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। उसके बाद 1, 2 और 3 तारीख को उनकी नियमित पूजा होगी और 4 तारीख को उनका एक नागरिक अभिनंदन होगा केपी कम्युनिटी हॉल में और 5 तारीख को पूज्य स्वामी जी अपने प्रवास को पूरा करते हुए प्रयागराज प्रवास को पूरा करते हुए स्वामी जी का प्रस्थान वाराणसी काशी के लिए होगा। उपरोक्त पूरे कार्यक्रम में कार्यक्रम के संयोजक के रूप में मैं प्रयाग पुत्र राकेश शुक्ला मैं उपरोक्त सभी कार्यक्रम का आयोजक संयोजक हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक सप्ताह तक पूरे प्रयाग नगर वासियों की तरफ से स्वामी जी को की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार काशी में चातुर्मास भी करेंगे शंकराचार्य जी। प्रयाग प्रवास के बाद स्वामी जी काशी प्रस्थान करेंगे और वहां पर चातुर्मास करेंगे। चातुर्मास में भी उनके विभिन्न कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आगे चल के हम लोग आपको उचित समय पर देते रहेंगे। उन्होंने आगे बताया कि 29 जून को शंकराचार्य द्वारा सायंकाल 6 बजे आयोजक राकेश कुमार शुक्ल के ऑकलैंड रोड अशोक नगर स्थित आवास पर पादुका पूजन तत्पश्चात प्रयाग संवाद श्रृंखला का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। 30 जून को श्री शंकर विमान मंडपम मंदिर में अनुष्ठान एवं सायंकाल प्रशासन की गंगा आरती में शंकराचार्य की पावन उपस्थिति होगी। 1 एवं 2 जुलाई को विमान मंडपम मंदिर में व्यास पूजा एवं संगम तट पर अनुष्ठान शंकराचार्य द्वारा किया जाएगा। 3 जुलाई को सायंकाल जनदर्शन आशीर्वचन का कार्यक्रम, 4 जुलाई को प्रातःकाल विमान मंडपम मंदिर में शंकराचार्य द्वारा पूजा अनुष्ठान एवं अन्न प्रसाद, तत्पश्चात सायंकाल राज समाज संत और न्याय जगत के लोगों द्वारा नागरिक अभिनंदन पादुका पूजन समारोह केपी कम्युनिटी हॉल में होगा। 5 जुलाई को अपराह्न 2 बजे श्री कांची कामकोटी पीठाधिपति जगतगुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे।